Medicos, I'm Dr. Ankita Lunawat and welcome back to my channel, The Learning Medico. So, आज की वीडियो में हम देखेंगे how to study for homeopathic materia medica. Also, for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Also, do check out my book Parasitology Notes, which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपनी प्यारे प्यारे रिव्यूज जरूर शेयर कीजिए. So, how to study for homeopathic materia medica. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि homeopathic materia medica और organon कैसे पढ़े, इस पर एक वीडियो बनाइए. तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे दोनों अलग अलग किया है. How to study for homeopathic materia medica and how to study for organon. So, आज की वीडियो में होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका देखेंगे. पहले तो समझ लीजिए कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है क्या. तो जब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर से. तो उसमें क्या होता है, ड्रग प्रूविंग हमने की है हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर. तो उनमें जो जो सिम्टम्स आए हैं वो नोट डाउन किए गए हैं और उससे बनाया है हमारा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका. सो ये है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, जिसमें हमारे सारे मेडिसिन है, उसमें सारे उसके सिम्टम्स दिए गए. तो अब इसे स्टडी कैसे करना, पहले तो आप उसकी टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, टेम्परामेंट क्या होता है, फिर गाइडिंग सिम्टम्स क्या होते हैं. और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि कैसे हम एक ड्रग पिक्चर लिखे. तो उसमें मैंने सारे टर्मिनोलॉजीज भी आपको एकदम इन डिटेल एक्सप्लेन कर लिए. मैं उसमें अभी टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगी. नेक्स्ट है, हमें बुक्स कौन सी यूज़ करनी. यार बहुत सारे सीनियर्स ना बहुत अलग अलग, टीचर्स अलग अलग बुक बोलते हैं, नहीं नहीं तुम एलन्स रेफर करो, तुम बोरिक रेफर करो. तो मेरी सुना एज अ स्टूडेंट, मैं तो बोलूँगी कि दुबे बेस्ट है. जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो, दुबे से अच्छा और कोई बुक हो ही नहीं सकता. क्योंकि दुबे ने क्या किया है, एकदम सिंपल इंग्लिश है, बहुत ईजी इंग्लिश है. क्योंकि एलन्स बोरी के फॉरेन ऑथर्स है ये, उन्होंने उस टाइम पे लिखी हुई बुक्स है. तो उनकी जो इंग्लिश है वो भी ओल्ड इंग्लिश है. तो आज जो बोरिक है उसकी इंग्लिश भी बहुत सही है, मतलब बहुत ईजी है अभी का है. बोरिक ने, दुबे ने क्या किया है, सारे मतलब है ना, केन थोड़ा लिया है, बोरिक थोड़ा लिया है, एलन्स थोड़ा लिया है, और ऐसा कर करके उन्होंने एक बहुत सिंप्लीफाइड बनाया गया है. तो हमें ना अभी दुबे एज अ स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वेरी इजी है. तो जब आप पहले किसी ड्रग को स्टडी करोगे तो आप दुबे में से स्टडी करो, मैं आपको बोलूँ. क्योंकि दुबे इज लाइक क्वाइट ईजी, मतलब हमें ईजिली कर सकते हैं. नेक्स्ट अप इज, पहला तो दुबे रेफर करो. नेक्स्ट क्या है, हमें इम्पॉर्टेंट पता होने चाहिए. इम्पॉर्टेंट मतलब ये रेमेडी का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है. मतलब रस्टॉक्स इज नोन फॉर इट्स रूमेटिज्म, तो उसका हमें रूमेटिज्म का क्वेश्चन आएगा. सेना का क्या है, बेबी पूछा जाएगा. चामोमिला का क्या है, बेबी पूछा जाएगा. अर्सेनिक एल्बम का क्या है, एक तो ड्रग पिक्चर पूछा जाएगा, फिर उसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स इंपॉर्टेंट है, उसके गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे निकालो. तो ये आप कहाँ से निकालोगे, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एक तो इसमें से मिलेगा, नहीं तो आप यूनिक रेफर करो, उसमें तो आपको सभी मिल जाएगा कि इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो इसे इंपॉर्टेंट निकालो. सब क्या है, सब यू कांट रिमेंबर एवरी मटेरिया मेडिका. फिर आगे स्टडी करते वक्त आप जब स्टडी करोगे तो उसको कैसे करना है. अगर समझो रूमेटिज्म ले लिया, रस्टॉक्स को रूमेटिज्म ले लिया, तो हमें उसका लोकेशन करना है, मतलब कौन कौन से जॉइंट्स अफेक्टेड है. फिर सेंसेशन, मतलब वो पेशेंट को कैसे फील हो रहा है. मोडालिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंट्स, तो आपको ऐसे फॉर्मेट में उसको स्टडी करना पड़ेगा. यू कैन गिव कि मैंने ये नोट्स ऐसे ऐसे पॉइंट्स में लिख दिया, नो, यू हैव टू गिव दिस हेडिंग, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन. ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर को समझेगा कि हाँ यार इसको भी पता है, उसको भी एग्जामिनर को इजी जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे. नेक्स्ट इज की नोट्स. तो आपको जो की नोट्स है, की नोट्स ना, तो उसके लिए एलन्स की नोट तुरंत रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं कैसे रखती थी की नोट्स, जब मैं सेकेंड ईयर में थी, वो जो डार्क इसमें रहता है ना फॉन्ट में, दुबे में, सो आई यूज टू कंसिडर दैट एज अ की नोट. एंड फॉर अभी के लिए तो वेरी बहुत ईजी है, स्टार्टिंग फेज के लिए जो डार्क इसमें दिया है ना, वो सब की नोट समझ लीजिए और उसे एकदम पिट पैट कर दीजिए. और जब आप बार 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 रोज़ रीडिंग कीजिए, मटेरिया मेडिका रोज़ करने का सब्जेक्ट है, आप उसको रोज़ रीड कीजिए, थोड़ा 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 रोज़ रीड कीजिए और आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा. फिर
मतलब मेरे सीनियर्स ने जो मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन नेम और फैमिली लर्न कर लो। आप कहीं पर ऐसे चार्ट बना लो अपना कॉमन नेम और फैमिली का, और वो अपनी दीवार पर चिपका दो, और उसे रोज एक बार ऐसे पढ़ लेना। हाँ, क्योंकि कॉमन नेम एंड फैमिली बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यूज में आता है। हमारे टाइम पे तो 2 मार्क्स क्वेश्चंस थे, इसलिए हमें 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आता ही था। अभी एमसीक्यूज के लिए आते हैं कॉमन नेम एंड फैमिली। और जब आप 20 मार्क्स 10 मार्क्स लिखते हो ना, तब अगर फैमिली कॉमन नेम लिख लो तो लाइन भी भर जाती है, और ना एग्जाम को लगता है हाँ यार ये बच्चे को तो बहुत आता है, कॉमन नेम फैमिली आ गया तो मतलब अच्छे से आता ही होगा, और प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है। बट ड्रॉ पिक्चर में तो आपको लिखना ही पड़ता है कॉमन नेम फैमिली प्रूवर। तो ये 3 कॉलम भी बना सकते हो, या फिर यू कैन डू फैमिली एंड कॉमन नेम, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो यूजुअली हनीमन के ही मेडिसिन आते हैं ज़्यादा करके। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, लोकेशन सेंसेशन ये सब करना है, और नेक्स्ट अब है लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने खुद के नोट्स बना। खुद के नोट्स ही लास्ट तक काम आते हैं। मैं आपको ना यहाँ पर एक वीडियो दे दूँगी मेरे फर्स्ट ईयर के नोट्स का, तो वो इतने परफेक्ट नहीं होंगे वो परफेक्ट, बट आपके लिए बहुत इजी जाएगा अगर आप अपने नोट्स में से करते हो। तो रेगुलरली उसको रीड करना है और अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। सो दिस वॉज इट फॉर हाउ टू स्टडी फॉर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। अगर आपके पास और कुछ ट्रिक्स होंगे अपने खुद के, तो नीचे कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर वी आर लर्निंग टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो अगर आप शेयर करोगे तो किसी और को भी वो टिप्स मिल जाएगी। सो सी यू सून, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको। थैंक यू।